तो भाई कब आने वाला है जल्दी कब? कर्म मेरे को तो काम भाई मेरे को आता है मैं जल्दी ये ये पक्ता। देखो ये ये अंदर सान, सानिटाइजर मार रहा है शो के अंदर किस लिए ये ये है किस लिए था? जंग्स के लिए भी और बदबू के, के लिए भी लाइफ है पानी का बारिश का मौसम में बात मारते हैं ना हाँ इसी वजह से लाइफ है अभी आ, हो जा रहा है वैभव के घर और ये जा रहा है ड्यूटी चल चलो 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 बाय जल्दी आना ओके जल्दी आना भाई कुछ कुछ हाँ पापा अगर वो अंकल आएंगे बोला जेसीबी से नाली वाली खोदना है हाँ तो उनको बोला कार घर में रहने दो ओके पापा ने बोला बोला कोई काम नहीं है दस पंद्रह दिन हाँ दस पंद्रह दिन, दिन। आठ दिन।, दिन अरे आठ दिन में नहीं होगा क्या उनका काम तो चलो आठ दिन में होगा बोला उनका काम ठीक है ये दोनों भी आ गए आपको बाय करने के लिए शुक्र <laughs> शुक्र चल रे बाबा चला शुक्र दोस्त है शुक्र दोस्त बाय बाय बेचारे को, को खाने के लिए नहीं देता अपन तो देते, देते ना डेली अद्विक देता अद्विक आके बोलता मामा वो पोड़ी है चलो ये क्या घूम रही हो आप लेके पापा ने वो जम्स के लिए क्या था ना गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कैचन सो गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ और आप लोग सोच रहे होंगे रेडी किस लिए हुई तो रेडी इसलिए हुई, हुई कि मुझे जाना है बाहर माही को लेके और आज है डॉटर्स डे तो हैप्पी डॉटर्स डे टू ऑल ऑफ यू गाइज और हाँ आज सुबह से ब्लॉगिंग ही नहीं की क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था वैभव चला गया वैभव जाने के बाद घर सुना सुना हो गया और उसके बाद फिर मन ही नहीं किया ब्लॉगिंग करने का अभी सोचा कि बाहर लेके जाती हूँ बेटी को आज डॉटर्स डे है तो सेलिब्रेट करती हूँ थोड़ा सा बेटी के साथ तो तो कुछ फ्रेंड्स भी मिलने वाले हैं हम लोग पहले मैं फ्रेंड के यहाँ पे जाऊंगी और उसके बाद हम लोग जो भी डिसाइड होगा वो हम लोग करेंगे फिर जो भी सेलिब्रेट करना है वो करेंगे है पीका चुका मास्क पहना है देखो एक बार देख लो अधिक को ये देखो और अभी माही भी रेडी हो गई है यहाँ पे माही को दिखाती हूँ माही भी रेडी हो गई है चलो बेटा मास्क ले रही है माही मेरा <laughs> तो, कौन कलर कलर का का ये यही वाला ले लो ना कल का मुझे मेरा मेरा मिल गया मेरा। चलो हम आई को भी मिल गया माही का मैचिंग मास्क ये वाले मास्क जब से लाया है ना तब से टेंशन खत्म हो गया है मैचिंग मास्क मिल रहे हैं कोई भी ड्रेस है उस पे ना उसपे मैचिंग मास्क मिल ही जा रहा है टेंशन नहीं रह गया अभी टेंशन खत्म हो गया ना अद्विक का भी अद्विक का भी अद्विक के लिए भी मंगा लिए थे मैंने और आप लोग सोचूंगी कि कहा से मंगाया है तो ये मीशो से मंगाया है गाइस दिखने में तो अच्छे है ही बट क्वालिटी भी अच्छी है माही के लिए तो, अद्विक के लिए तो बहुत सारे मंगा लिए है और ये टॉयज आप लोग पूछ रहे थे ना इसके लिए तो इसका ना ये सारा का सारा निकाल के अद्विक ने फेंक भी दिया पता नहीं अभी किस ब्रांड का है ये आप अमेजोन पे सर्च कर सकते हो अगर मुझे लिंक मिल गया ना तो मैं दे दूंगी आपको अच्छा ये वाला नया वाला भी ले लिया है लॉलीपॉप निकलता है अच्छा, इसमें चलो फिर अभी निकलते हैं डेनिम हाँ, जैकेट ले लो क्योंकि अगर उधर से आते टाइम ठंड लग गई तो ले लो पहन लो अभी से ओके। अगर पहनना है तो ये देखो पहनने के बाद कैसे लगता है चलो अभी एक मिनट में अपना फोन तो गाय बस हम लोग निकल चुके हैं दो फ्रेंड है वो आगे है मतलब फ्रेंड है और फ्रेंड की बहन है जिसको आपने फ्रेंडशिप डे के ब्लॉग में देखा है निकिता और उसके बाद दो और फ्रेंड्स आने वाली थी मेरी बट वो क्या हुआ थोड़ा सा उसके घर में उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई सडनली तो इसकी वजह से वो नहीं आ पाई और जो हमने सेलिब्रेशन का डिसाइड किया था वो हमें फिर चार लोगों में ही करना पड़ा जैसे कि आ, निकिता निकिता की बहन और मैं और माही हम लोगों में ही करना पड़ा वो दो फ्रेंड्स आते हैं न तो और भी मज़ा आता और भी एंजॉय करते हम लोग वैसे हमने एंजॉय बहुत किया बट आ, कैसा होता है सब लोग हम लोग साथ में मिलते हैं ना तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है तो बट काफ़ी दिनों के बाद मैं निकल रही थी ऐसे ही अकेले और हाँ इनकी ड्यूटी थी इस वजह से ये नहीं आ पाए मतलब बहुत लेट हो रहा था इनको आने के लिए तो ये बोले आप बच्चों को लेके जाओ बच्चों को नाराज़ मत करो तो इसी वजह से मैं बच्चों को लेके आई हूँ यहाँ पे और हाँ आज संडे भी है और डॉटर्स डे भी है तो सुबह ना ऐसे विश किया बच्चों को अद्विक को संडे विश किया और माही को डॉटर्स डे विश किया तो यही दोनों आज है तो इसी वजह से दोनों को भी लेके जा रही हूँ और पता है क्या ऐसे काफ़ी दिनों के बाद अकेली बाहर निकली हूँ तो अच्छा लग रहा है वैसे और मैं मतलब बाहर ही नहीं निकलती हूँ बहुत अरे यार निकलती हूँ बाहर काम ही तो ख़त्म नहीं होते यार यूट्यूब के काम तो दिन भर चलते हैं थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलता है मुझे और यहाँ पर हम लोगों ने सोचा था पहले कि साउथ किचन में जाएंगे अगर आप अमरावती से हो तो आपको साउथ किचन तो पता ही होगा कैंप रोड पे है और हम लोग वहाँ पर आए फिर बट वहाँ पर ना इतनी ज़्यादा वेटिंग थी आज डॉटर्स डे था तो इसी वजह से सब लोग बाहर निकले होंगे डॉटर को ले लेके अपने तो हमें एक डेढ़ घंटा वहाँ पर वेट करना पड़ता है वेटिंग के लिए बाहर लोग खड़े थे तो इसी वजह से हम लोगों ने फिर डिसाइड किया हम लोग किसी कैफे में जाते हैं तो वहाँ पर कैफ़े भी फुल थे तो यहाँ पर एक कैफ़े था कैफ़े क्रीम करके जहाँ पर कुका बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है तो ये कुका बहुत ही फेमस है यहाँ का मतलब आ, कुका विथ क्रश लिया है हमने कुका के बहुत सारे वेराइटी है यहाँ पर कुका ठंडर कुका विथ क्रश कुका विथ क्रश ही मेरा फेवरेट है तो इसी वजह से मैं हमेशा जब भी यहाँ पर आती हूँ तो कुका विथ क्रश लेती हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे वो तो हम लोगों ने यहाँ पर कुका पिया उसके बाद अद्विक के लिए सैंडविच मंगाया अद्विक को बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी अद्विक वही कर रहा था मुझे भूख लगी है तो जो जल्दी बनने वाला था सैंडविच तो वो पहले मंगा लिया और अद्विक को फिर खिला दिया सैंडविच और उसके बाद हम लोगों ने पिज़्ज़ा वगैरह मंगाया तो यही बस यही सेलिब्रेशन किया मुझे लग रहा था कि कहीं साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में जाते ना तो थोड़ा सा साउथ इंडियन फूड खा के आ जाते काफ़ी दिन हो गए साउथ इंडियन फूड नहीं खाया था तो चलो जाने दो कोई बात नहीं यहाँ पर जो भी खाना था हम लोगों ने खा लिया उसके बाद फिर आ, हम लोगों को छोड़ने का टाइम आ गया निकिता को तो निकिता बोली कि मेरे यहाँ पे उत्तपम का डाला हुआ था तो उत्तपम बनाती हूँ मैं आप लोगों के लिए तो अधविक को भी आ, मतलब अधविक ने बाद में जो सैंडविच मंगाया था अधविक ने खाया ही नहीं हमें खाना पड़ा तो उत्तपम बनाया फिर उसने अपने घर पर और इतना टेस्टी उत्तपम बनाया और वो हमें खिलाया बहुत ज्यादा टेस्टी था फिर हम लोग उत्तपम भी खाया हम लोगों ने एक उत्तपम तीन लोगों ने खाया आध्िक माही और मैंने भूख भी नहीं थी यहाँ पर खाने के बाद तो बिल्कुल भी भूख नहीं थी बट उसको खिलाना था हमें उसको लगा कि चलो इसका मन था साउथ इंडियन फूड खाने का बट खाने के लिए नहीं मिला इसी वजह से उसने फिर उत्तपम बना के खिलाया और फिर हम लोग चले आए घर पर तो यहाँ पर बस पिज़्ज़ा आ गया है हमारा बस पिज़्ज़ा खा लेते हैं और उसके बाद थोड़े से फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करेंगे यहाँ पर और फिर जाएंगे अपने घर आ चलो। अंदर <laughs> देखो आदविक ने आते ही स्टार्ट कर दिया उसका खेलना खेलने के लिए नहीं मिला ना दिन भर हाँ, आ, हाँ।

इसके साथ ही इस ब्लॉग को यही पेन करती हूँ हाँ बोलो आ, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना तो चलिए फिर बाय बाय टेक केयर एंड लव यू ऑल बाय बाय ध्यान रखना अपना इधर इधर